मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम सब जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल, जो कि बैंगलोर से 110 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो हमारे साथ आज है सौरभ, और बता दें क्या सौरभ का बर्थडे भी है, तो सबको विश कर देंगे सौरभ का। साथ ही साथ हमारे साथ है गौरव। गौरव हाय बोल। हाय। गौरव के दो फ्रेंड भी हमारे साथ, अरविंद अरविंद और ये कोटिलिंगेश्वरा जो टेम्पल है, यहाँ पे अराउंड 1 करोड़ शिवलिंग्स हैं शायद। इस टेम्पल के बारे में वैसे तो ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन अरविंद यहाँ पे जा चुके हैं पहले, तो वही बताएंगे कि कुछ खासियत उस टेम्पल के बारे में। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे 1 करोड़ टेम्पल्स हैं, 1 करोड़ है ये शिवलिंग है। शिवलिंग में बेसिकली क्या है कि अभी तक ये लोग 90 लाख पूरा कर चुके हैं, 10 लाख अभी बाकी है। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई अपनी मन्नत मांगता है, चाहे उसकी कुछ विश पूरी होती है, तो वो अपना एक शिवलिंग वहाँ पे ले जाके रख देता है और उसका पूजा स्थापना करा देता है। और बेसिकली एक आस्था का विषय है, इसलिए आदमी जाता है वहाँ पे, मन्नतें लोग मांगते हैं। मैंने भी बहुत बार मन्नतें मांगी हैं, मेरी मन्नतें पूरी भी हुई हैं। बहुत बढ़िया, अरविंद ने बहुत अच्छी जानकारी दी है इसके बारे में। तो चलिए चल के देखेंगे कैसा है टेम्पल और कैसा है शिवलिंग। कल तक तो हम लोग का प्रोग्राम कैंसिल ही था कि नहीं जाना है, लेकिन अचानक से गौरव जी जो सुबह 6 बजे और 6:30 बजे के आसपास कुंडी खड़काने आ गए, तो फिर हम लोग ने प्लान किया कि चलो चल ही लेते हैं। तो करीब करीब 100 किलोमीटर हम सब आ चुके हैं और इतना अर्जेंट प्लान बना कि कुछ खाने के लिए भी कुछ मौका नहीं मिला। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सुबह 8 बजे हम नीतीश को कॉल किए कि चलना है मंदिर, तो नींद में ही बोल रहा है कि अरे 5 बजे सोए ही हैं, तो इसको बोल तब फिर ये रेडी हो गया। फिर आधा घंटे के बाद जाते तो ये सोया ही हुआ है, इसको ज़बरदस्ती उठाया गया है बेड से और बाथरूम में भेजा गया है कि जाओ जल्दी नहाओ और जल्दी से निकलो। बाय द टाइम ये मेरा दोस्त अरविंद है, और जब मैं इसके घर पहुंचा था आधा घंटा से मैं खड़ा था बाहर और ये पराठा खा रहे थे। भाई दोस्त ऐसे ही होते हैं, 9 बजे से 7 o'clock बोलो 10 o'clock आते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कोटी, ऑलमोस्ट 2.5 hours लगा हमें। इसके बाद टिकट काउंटर है, तो टिकट हमें लेना होगा अराउंड 20 रुपीज़ का टिकट। क्यों बहुत लंबा है देख सकते होंगे आप पीछे में, ये क्यों है। तो अभी जाएंगे हम सब, इस क्यू में लगेंगे, टिकट लेंगे, उसके बाद आगे की जाएंगे। ऑलमोस्ट 1 घंटे तो और जैसा लगने वाला है। यहाँ का जो पार्किंग है वो मच बेटर है, स्पेसियस है, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आप सब अभी देख रहे होंगे पीछे में ये पूरा शिवलिंग है, और करीब करीब जैसा कि लोगों ने बताया कितना 90 लाख शिवलिंग है, बड़ा छोटा शिवलिंग सब मिला करके। तो अभी देखते हैं हम सब कवर करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त शिवलिंग का कलेक्शन है यहाँ पे। कहा जाता है कि जिनका मन्नत पूरा होता है तो वो लोग यहाँ आते हैं और एक शिवलिंग दान करके चले जाते हैं, रख करके चले जाते हैं। डिफरेंट है क्योंकि इस तरह का मतलब शिवलिंग अभी तक तो जनरली मंदिर में एक शिवलिंग मिलेगा, लेकिन एक शिवलिंग मिलेगा और बाद में कि छोटा छोटा शालिग्राम टाइप रहता है, लेकिन इस टाइप का शिवलिंग इस तरह का पहली बार। सुकून मिल रहा है, लग रहा है कि एकदम आत्मा तृप्त हो गया यहाँ आके, एकदम शांति जैसा माहौल, एकदम आत्मा को शांति मिल रहा है। जो बेंगलुरु वाले ट्रैफिक में एकदम दिमाग जो हो जाता है बड़े इरिटेट हो जाते हैं, यहाँ आके बहुत शांति मिल रहा है। मैंने अब आज तक अपने लाइफ में इतना ज़्यादा एक साथ इतना ज़्यादा शिवलिंग मैंने कभी एक जगह पर नहीं देखा है। मैंने बस सुना था कि 100-110 शिवलिंग है, यहाँ पर तो 90 लाख के आसपास शिवलिंग है। Thank you.
जैसा देख सकते हैं बहुत ही विशाल सा शिवलिंग है। करीब करीब इसकी हाइट नहीं भी तो 80 से 100 फीट के आसपास की होगी। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पीछे में आपको नंदी नज़र आएगा। चारों तरफ शिवलिंग तो है ही। इन शिवलिंगों के बारे में पूछा गया यहाँ के पुजारी से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शिवलिंग्स हैं वो 93 लाख शिवलिंग हैं यहाँ पर, और जो बहुत से शिवलिंग हैं वो यहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो आते हैं और यहाँ पे रख कर चले जाते हैं, और बहुत सारी जो शिवलिंग है वो आपका यहाँ के जो स्वामी जी हैं उन्होंने स्थापित किया है। वैभव गौरव के फ्रेंड है, साथ में हम सब रहे हैं। तो वैभव कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ पे आकर के, कैसा लग रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं हम सब बहुत सारे शिवलिंग्स हैं। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने पंडित जी से यहाँ पे बात की है तो वो बता रहे थे कि 90 लाख शिवलिंग्स जो हैं उनका यहाँ पे प्रस्थापना हो चुका है और 10 लाख अभी भी पेंडिंग है। तो वो शायद उन लोगों का कुछ टारगेट है कि कितने महीने या कितने करोड़, हाँ 1 करोड़ का टारगेट है, बट 10 लाख जो रिमेनिंग है उसमें उन लोगों का टारगेट है कि कितने महीने या कितने साल में वो कंप्लीट कर लेंगे। अपना पूजा के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल है। मतलब यूजुअल अगर टेम्पल में जाओगे तो आप पूजा करके आ जाते, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। हाँ, अलग इन द सेंस क्योंकि पूजा के साथ साथ आपके पास बहुत सारा इस प्रकार का चीज़ है करने के लिए, यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए इतना सारा कहीं नज़र नहीं आता। अड़तालीसवें जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाबा 68 साल हो चुके हैं एक्चुअली, मतलब कि ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। एक इवेंटफुल दिन के बाद सौरभ उर्फ मोटू के 48वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब आए हैं यहाँ पे पंजाबी टाइम्स जो सुपर स्टॉप बने रहता के अपोजिट में, और हम लोग यहाँ पे देख लीजिए दो प्रकार के चिकन ऑर्डर किए हैं, और रिकमेंडेड बाय मिस्टर सौरभ, अगर ख़राब हुआ तो बहुत मारक पड़ेगा, लेकिन मैंने खाया है मुझे अच्छा टेस्ट लगा। देखिए मतलब 10 पोर्शन देखेंगे इनके लिए तो 30 भी कमी पड़ जाएगा। ऑलरेडी घर में जब आधा किलो आटा का रोटी खाते हैं तो फिर यहाँ तो इनके लिए कमी है, इससे बोला घर में आपको 1 किलो मटन और 20-25 रोटी तो इसलिए देख सकते हैं, वो तो इनके नाश्ते वो तो इनका नाश्ता नहीं हो जाता है। कभी कभी 2.5 किलो जनरली डोज बहुत कम है, 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसे करते। अच्छा 200-250 ग्राम मतलब कि सोने टाइम पे खा पी भी। और यहाँ पे सबसे मस्त लस्सी है जो इतनी बड़ी ग्लास में मिलेगी। आज कर्नाटका डे पूरा हम लोग का पूरा व्यस्त रहा। कर्नाटका राज्योत्सव और मोटू का बर्थडे, सो हम वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock। कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल के बाद यहाँ पे आकर के
बर्थडे ट्रीट, और इसी के साथ हमारा दिन होता है यहाँ पे समाप्त। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में देख करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।